नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं आपका महावीर प्रसाद वर्मा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइल्स के टॉपिक के बारे में। तो भूल कर भी ये गलती ना करें जिसे आपके टाइल्स लगाने के बाद में आपको पछताना पड़े। तो जो भी मिस्त्री या ठेकेदार आपके यहाँ टाइल्स लगाता है तो उसको ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जिससे आपका टाइल्स साउंड नहीं करेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से लगेगा। पर ऊपर मसाले में भी सीमेंट मिलाना चाहिए। बहुत से ठेकेदार मिस्त्री बोलते हैं कि सीमेंट नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन 100% यही है कि टाइल्स में अगर हम लगाते हैं तो मसाले में सीमेंट मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के बारे में मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए। आपको पसंद आए मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। जिस तरह हमने लेवल के ये ठिए लगा रखे हैं, आप देख रहे हैं, ज़्यादातर मिस्त्री क्या करते हैं, नीचे टाइल्स नहीं लगाते हैं और लेवल के ठिए डायरेक्ट वैसे ही कच्ची माल से लगा देते हैं। तो ऐसा ना लगाएं कि उससे माल क्या हट जाता है और लेवल उनका आगे पीछे हो जाता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। इससे आपका लेवल हमेशा सही रहेगा और आपका काम भी अच्छा रहेगा, लेवल भी सेम रहेगा। और अभी मैं जैसे भी देख रहे हो आप पूरा, और इसके नीचे पहले मसाला लगाने से पहले सीमेंट पानी ज़रूर डलवाएं, इससे कभी भी टाइल्स साउंड नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे सीमेंट पानी पूरे में डलवाने के बाद कभी टाइल नहीं लगे। उसके बाद में आपको कोई मिस्त्री हो या कोई हो ऐसा कच्चा करवाना चाहिए, इससे जो भी रेती का ये प्लास्टर का जो एयर है वो पूरा निकल जाएगा और टाइल भी बहुत ही मजबूत लगेगा, इससे कभी टाइल साउंड नहीं करेगा, नहीं टाइल टूटेगा। मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसमें सीमेंट पानी से दोबारा ठीक से भरो। ये तरीका एकदम सही रहेगा टाइल लगवाने का। हमेशा टाइल पैरों के हिसाब से ही लगाएं।